वेलकम बैक। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ थर्मो के क्वांटिटीज के यूनिट्स एंड डाइमेंशंस निकाल के दिए थे, तो एक बार क्विकली रिवाइज करते। एंड जो भी बच्चे आज नए जुड़े हैं उनको एक काम करना है, इसके पहले के लेक्चर्स वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आपको पहले वो अच्छे से देखना है क्योंकि फिजिक्स इंटर रिलेटेड है। पिछले कंसेप्ट के ऊपर आगे के कंसेप्ट बेस्ड रहते। तो आज जो भी मैं डायमेंशंस निकालूंगा ये अच्छे से ध्यान देना है। आज हम थर्मो की क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकालेंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर से इनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। अब तक अपन सिर्फ डायमेंशंस ही निकाल रहे थे, नेक्स्ट इससे हम इनके एप्लीकेशंस चेक करेंगे कि अच्छा ये कहाँ पे अप्लाई होंगे, या फिर इसका इस्तेमाल फिजिक्स में कैसे हो सकता है, या फिर साइंस में कैसे हो सकता है, ये चेक करेंगे। ठीक है, देखो फिर लास्ट लेक्चर में मैंने जो थर्मो की क्वांटिटी पढ़ाई थी वो ये कुछ थी। थर्मो की क्वांटिटीज पढ़ना स्टार्ट किया था हमने, एंड हमारे डायमेंशंस रहते थे, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज याद है ना सात, कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये था ना, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये ऐसी सात क्वांटिटी थी। तो लेंथ के लिए यूनिट था मीटर एंड डायमेंशन एल बताते थे अपन। उसके बाद मास के लिए एम था, कैपिटल एम बॉक्स ब्रैकेट में, एंड टाइम के लिए था कैपिटल टी। ये ऐसे अपने डायमेंशन रहते थे। एंड कल मैंने एक एक्स्ट्रा डायमेंशन पढ़ाया था जो कि था टेम्परेचर। टेम्परेचर को अपन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा। और अपने एनसीईआरटी के किताब में के से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो भी एग्जाम में ऑप्शंस दिए होंगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये आपको एल एम टी के और थीटा याद रखना है। अच्छा, अथर्व का क्वेश्चन है, इज एस सी वर्मा बुक गुड? क्या ये अच्छी किताब है? नो डाउट इट इज बाइबल फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के बाइबल ही कहते हैं उसे, गुड फॉर कंसेप्ट्स। बट अगर समझो आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पहले आपको एनसीईआरटी एनसीईआरटी बेस्ड किताबें जो कि हम रिकमेंड करते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन के डीसी पांडे सर की किताब, जिसमें थेरी प्लस उसके ऊपर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज पर नीट ये डिजाइन रहेंगे, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेडब्ल्यूई उन्होंने एस सी वर्मा सर की किताब रेफर करना। ठीक है, ये दो बातें ध्यान में रखना। तो धीरे धीरे मैं बुक्स के बारे में भी बताऊंगा, खुद नोट्स भी कुछ आपको ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स एंड उसके एमसीक्यूज असाइनमेंट्स, जिससे आपको थोड़ी आइडिया आ जाए। ठीक है, देखो फिर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सबसे पहली क्वांटिटी थी हीट। हीट का यूनिट बताओ, चलो क्विकली, कल पढ़ाए थे ना, यूनिट डायमेंशंस लिख के भेजो, याद करो क्या था हीट के लिए। वेरी गुड, सही है। अभय, सारिया, अक्षत और सारे बच्चों ने सही से भेजा है। जूल रहता, हीट के लिए यूनिट क्या है? हीट के लिए जो यूनिट है इट इज जूल। ठीक है, एंड इसके जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस आएंगे हीट के, देखो जूल मीन्स एनर्जी, हीट इज नथिंग बट इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। कल भी समझाया था मैंने कि हीट तो एनर्जी का फॉर्म है, तो एनर्जी के जितने डायमेंशंस, तो एनर्जी के वर्क के जो डायमेंशंस थे सेम ही हीट के आएंगे। तो डायमेंशंस आए थे एम वन, याद करो, एल टू, टी माइनस टू, कल भी निकाल के दिए थे ना, ये जितने एनर्जी के हैं उतने ही हीट के, ये हमने देख लिया था। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे सही से भेज रहे, सही चल रहा अपना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने पढ़ाया था आपको हीट कैपेसिटी। थर्मो की क्वांटिटीज थी ये हीट कैपेसिटी, और जिसे हम थर्मल कैपेसिटी भी कहते। तो ये क्या था याद करो जरा,
हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। ये समझो पेन है, इसका टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री से बढ़ाना है तो जो मुझे हीट देनी होगी उसे हम कहते हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। तो इट इज नथिंग बट हीट गिवन अपॉन टेम्परेचर। तो जूल पर केल्विन इसका यूनिट रहता। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चे सही जा रहे। जूल पर केल्विन यूनिट आ गया। डायमेंशंस निकालना है। डायमेंशंस कैसे निकालोगे, देखो ये जो डायमेंशंस है हीट के अपॉन टेम्परेचर, तो देखो M1 L2 T-2 अपॉन टेम्परेचर है। टेम्परेचर कैन बी रिटन बाय K, तो इसे मैं K से डिवाइड कर सकता हूं। तो आपका आंसर आता M1 L2 T-2 K-1। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और K की जगह आप थीटा भी लिख सकते हो, थीटा-1 ये भी रह सकता। ठीक है, चलो फिर और आगे बढ़ते। हीट कैपेसिटी के बाद नेक्स्ट जो है थर्ड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। याद करो ये कैसे निकाला था हमने। पहले तो ये क्या था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास मीन्स अगर समझो 1 केजी मास है, ये पेन अभी तो समझो 100-200 ग्राम का होगा, अगर मैं ऐसे 1 किलो का मास लेता हूं उसका टेम्परेचर यदि मुझे 1 केल्विन से या फिर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो जो हीट लगेगी इट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड इसके लिए जो यूनिट था डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही से भेजा है, सही चल रहा है। डेल्टा क्यू मीन्स जूल, मास के लिए केजी, टेम्परेचर के लिए केल्विन, जूल पर केजी केल्विन ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, डायमेंशंस जो होंगे, जो पिछला कंसेप्ट था हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास, तो पिछला देखो क्योंकि यूनिट भी जूल पर केल्विन था डिवाइडेड बाय मास हुआ, तो डायमेंशंस भी ऐसे होंगे कुछ M1 L2 T-2 K-1 डिवाइडेड बाय मास M। एम एम कैंसल हो जाएगा, M0 L2 T-2 K-1 ये होगा आपका आंसर। आ जाएगा फिर आपको, लिख सकते इतना। चलेगा, हाउ इट इज फॉर्मूला क्यू बाय टी, प्लीज गिव एक्सप्लेनेशन। कार्तिक का क्वेश्चन है, बघा हा क्यू बाय टी काबर आलेला फॉर्मूला, ये कल भी समझाया था ना मैंने। अगर समझो किसी बॉडी का टेम्परेचर 5 से बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ हीट लग सकती, अगर 1 डिग्री से बढ़ाना है, ये सिंपल रहता रेशियो प्रपोर्शन। एग्जाम्पल देता हूं मैं, देखो आपने बचपन में ऐसे क्वेश्चन किए होंगे कि क्लास में 30 स्टूडेंट है, इनको 60 चॉकलेट्स लगते हैं, तो 10 स्टूडेंट को कितने चॉकलेट्स लगेंगे, ये ऐसे करते ना हम क्वेश्चन सॉल्व। वैसे ही एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर समझो 10 डिग्री से बढ़ाने के लिए इतनी हीट लगती, तो 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगेगी, दैट इज अवर हीट कैपेसिटी। एंड वो रेशियो देख के हमें डेल्टा क्यू बाय टी ऐसा लिखना पड़ेगा, सिंपल है। और हीट इक्वल टू हीट कैपेसिटी इंटू टेम्परेचर, ये होगा। ठीक है, चलेगा फिर, चलो आगे बढ़ते। देखो नेक्स्ट जो हमें देखना है, थर्ड हो गया, फोर्थ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालना पढ़ लिया है? नंबर ऑफ मोल्स पता है आपको? हाँ ठीक है, वेरी गुड, सही है। चलो फिर
मैंने इसे बाकी इसलिए रखा था कि केमिस्ट्री में एक बेसिक टॉपिक होता है मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से निकालते हैं। अब ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसे मोलर हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। ध्यान से सुनो, ये क्या रहती? हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अच्छा होमवर्क भी मैं करवाऊंगा, ये पहले रिलेटेड क्वांटिटी देख लो, फिर लगे तो मैं गैस कांस्टेंट एंड जो भी आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया था वो निकाल के दूंगा। पहले ये समझ लो, क्या समझा रहा हूं मैं अभी, कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये कैपिटल सी से बताते। इसे कैसे डिफाइन करोगे? हीट रिक्वायर्ड, आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो, नोट्स निकालो अपने, लिखते रहो, ये जो भी आगे आगे पढ़ाऊंगा। यहां तक तो मैंने पहले क्विकली रिवाइज करके दिया, आगे का लिखो अच्छे से। हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, 1 मोल गैस का टेम्परेचर अगर मुझे 1 केल्विन से और 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो जो हीट लगेगी उसे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। लक्ष्य ठेवाल का सगड़े मग है, सिंपल है। देखो, 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना है तो जो हीट लगेगी इट इज मोलर। 1 केजी का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड कोई सी भी बॉडी है उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना है तो फिर हीट कैपेसिटी। तो हीट, पहला कंसेप्ट हीट, दूसरा हीट कैपेसिटी, तीसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चौथा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो क्या फिर अब आप इसके लिए फॉर्मूला बता सकते हो? हीट रिक्वायर्ड टू रेस टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, जैसे मैंने अभी रेशियो प्रोपोर्शन से बोला कि ये एन कहां से आया, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। 1 मोल के लिए अगर समझो समथिंग के लिए कुछ लगता है तो 1 के लिए क्या लगेगा? अपॉन एन, समथिंग अपॉन एन, ये है। तो डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ये रहेगा फॉर्मूला। क्या इसके यूनिट्स बता सकते हो आप? यूनिट्स देखो, हीट का जूल, मोल का मोल, केल्विन का, सॉरी MOL चाहिए था, मोल, टेम्परेचर का केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। हाँ, क्या ये गैस के लिए ही हो सकता है? हिमानी का क्वेश्चन है, सही है, ये सिर्फ गैस के लिए ही होगा। हीट रिक्वायर्ड टू रेस टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, 1 मोल के लिए चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स जितने भी होंगे उनसे डिवाइड करना पड़ेगा, एंड 1 केल्विन के लिए चाहिए तो जो भी डेल्टा टी है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। और हीट, हीट को कैसे डिफाइन करेंगे अपन? सी, मोलर स्पेसिफिक हीट इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू डेल्टा टी। अरे, 1 के लिए इतना लगता तो एन के लिए इतनी लगेगी हीट, ऐसा रहता। तो ये सिर्फ अपन, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिए थे स्टूडेंट चॉकलेट रेशो, वो हिसाब से ही अपन ये देख सकते, जूल पर मोल केल्विन यूनिट, ठीक है। एंड डाइमेंशंस कितने आएंगे? डाइमेंशंस, डाइमेंशंस देखिए जरा, ऐसे होंगे कुछ। एनर्जी, एनर्जी के लिए m1 l2 t-2 अपॉन मोल के लिए, मोल के लिए क्या होंगे डायमेंशंस? MOL भी लिखे तो आपने चलता, एंड नहीं भी लिखे कुछ तो भी चल जाएगा, केल्विन के। तो आपका आंसर जो है इट इक्वल्स टू m1 l2 t-2, उसके बाद k-1 मोल इनवर्स, ये ऐसे लिखना आपने। बहुत सारी किताबों में ये मोल इनवर्स नहीं लिखा रहता, बट आपने लिख लेना, ऑप्शंस देख के रहता, ऑप्शन में है तो ये मोर एक्यूरेट आंसर आपका, ठीक है। लिख लो फिर, अभी जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे वो सॉल्व करके दूंगा मैं। चलेगा, इतना आएगा फिर आपको, इतना लिख लो क्विकली।
ठीक है, चलेगा। स्पेसिफिक हीट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय सी, सही है। देखो ध्यान दो वापस, ये क्या रहता अगर 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, जो हीट लगेगी इट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और मोलर स्पेसिफिक हीट तो अगर समझो मुझे 1 मोल का 1 मोल के लिए हीट चाहिए, तो डेल्टा क्यू अपॉन एन 1 मोल के लिए जो होगी अपॉन डेल्टा टी मीन्स 1 केल्विन के लिए, ये आपका फॉर्मूला आता जैसे कल आया था ये, ठीक है, ऐसे डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा डी। लैटेंट हीट, अच्छा लैटेंट हीट भी आगे समझाऊंगा, अथर्व का क्वेश्चन है लैटेंट हीट, वो भी निकाल के दूंगा मैं। एम इंटू एल रहती लैटेंट हीट, चिरायु वेन टू यूज आई हिरोडो, बहुत सारी भी किताबें रहती और तो मार्केट में, हिरोडो सर की किताब है, क्रोटो है, बहुत सारी है, रैसनिक हैलिडे, एन नंबर ऑफ किताबें हैं, बट जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट सुटेबल है वो आप चेक कर सकते हैं। पाथफाइंडर है, ओलंपियाड्स के लिए जो प्रिपेयर करते वो यूज करते वो किताबों को, ठीक है। देखो फिर आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी नंबर की क्वांटिटी है, ये फिफ्थ थर्मो में फिफ्थ नंबर की क्वांटिटी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, किसी ने निकाला है क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए? कितना आ रहा है बोलो जरा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के यूनिट डायमेंशंस आपको देखो एनसीईआरटी में ये मोल इनवर्स लिख के रहता, तो आपने भी लिखना, कुछ किताबों में नहीं रहता बट इट शुड बी मोल इनवर्स, ये ऐसे लिखना, क्योंकि डायमेंशंस मैंने अब तक कौन से बताए थे आपको, ये 1 मिनट, हाँ लेंथ मास टाइम टेम्परेचर ना, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट भी मोल रहता एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स नंबर ऑफ मोल्स के लिए डायमेंशन मोल ऐसे लिखना आपने, MOL ये डायमेंशन रहते हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो रहता, क्या आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है? आइडियल गैस इक्वेशन याद करो क्या था, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू NRT, अरे ये सुना होगा ना आपने, PV इक्वल्स टू NRT केमिस्ट्री में भी देखा होगा या फिर देखने मिलेगा आगे, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू NRT, ठीक है। तो क्या R इक्वल्स टू, में R यहाँ पे जो रहता है इसमें कौन सी क्वांटिटी क्या बताती है, देखो P स्टैंड फॉर प्रेशर, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर, ये है चार अलग अलग। एंड ये जो इक्वेशन है इसका नाम रहता आइडियल गैस इक्वेशन, अपने यहां पे तो रियल गैसेस रहते, एक हम आइडियल गैस डिफाइन करते कि आइडियल कंडीशन उसके लिए जो इक्वेशन इस्तेमाल होता ये रहता PV इक्वल टू NRT, चार्ल्स लॉ, बोयल्स लॉ, ये सब कुछ इस्तेमाल करके इसे निकाला जाता है। तो PV इक्वल्स टू NRT में R जो होगा, R इक्वल टू बताओ क्या होगा, PV बाय RT। अब PV बाय RT क्या आपको PV पता है क्या रहेगा, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, इसे हम 5 मिनट के लिए यही छोड़ देते हैं। माई क्वेश्चन इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम के डायमेंशंस निकाल के बताओ, ये मेरा क्वेश्चन है, चलो निकाल के बताओ।
हम स्टेट बोर्ड के हैं, हमको प्रॉब्लम हो रही है तो हम कौन सी फिजिक्स की बुक यूज करें? अरे अभी एटलीस्ट आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही ट्राई करो, अच्छे से वीडियो लेक्चर्स देखो, अभी के लिए तो इतना ही पढ़ो। एंड हाँ, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अरिहंत पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव फिजिक्स आती है डीसी पांडे सर की, वो आप परचेस कर सकते हो। उसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सब क्वेश्चंस दिए हैं। टॉपर्स के भी इंटरव्यू देखोगे आप तो भी वो वही बुक रिकमेंड करेंगे, बहुत खास बुक है वो, अरिहंत पब्लिकेशन डीसी पांडे सर। ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहते, थ्योरी भी रहती, बाय डीसी पांडे सर, ये देख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही से निकाल दिए। सैयद, राहिला, भूमि, वेरी गुड, हादिया, श्रेयस, अथर्व, जमत है म्हणजे मुलांना। बघा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम के जो डायमेंशंस और यूनिट है, देखो डायमेंशंस में निकालने की कोशिश करता हूं। प्रेशर के लिए ऐसे था क्या, m1 l -1 t -2, देखो कल ही निकाल के दिया था ये प्रेशर, कल परसों में। एंड वॉल्यूम के लिए l3 था क्या, एंड मैंने कल भी बोला था आपको एक टू साइडेड पेज बनाना है जहां पे सीरियल नंबर, क्वांटिटीज, यूनिट्स, डायमेंशंस ऐसे लिखा हो, एंड वो रोज पढ़ना है, उससे आपको ये डायमेंशंस याद हो जाएंगे जल्दी। तो देखो -1 + 3 + 2 हो जाएगा, तो m1 l2 t -2, क्या ये डायमेंशंस पहले भी देखे हैं? क्या ये वर्क के जितने डायमेंशंस है? एंड थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का फॉर्मूला p∆v रहता, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। जैसे अपना फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट रहता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का फॉर्मूला मैकेनिक्स में, वैसे ही थर्मोडायनेमिकल वर्क का फॉर्मूला फॉर आइसोबैरिक और भी प्रोसेसेस रहते उनके लिए p∆v रहता। तो ये p∆v का जो आंसर आएगा इट विल बी इक्वल टू वर्क। तो कितनी खास बात है ना, वर्क, एनर्जी, उसके बाद हीट, pv, इन सभी के डायमेंशंस वर्क के जितने। याद रहेगा आप सभी को एक पॉइंट, क्या क्या बताया अभी मैंने, याद रखो वर्क, एनर्जी, उसके बाद हीट एंड पीवी, इन सभी के डायमेंशंस सेम ही है m1 l2 t -2, और इसका यूनिट पीवी का यूनिट जूल रहेगा। तो मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूं, पीवी का यूनिट जूल पर मोल केल्विन, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। और जूल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर मोल पर केल्विन, ऐसे सॉरी। और लिखते वक्त ऐसे भी लिख सकते हो, kg मीटर स्क्वायर सेकंड रेस टू -2 मोल रेस टू -1 केल्विन रेस टू -1, ये आएंगे। तो आ रहा है क्या, देखो आपको। एंड यहाँ पे भी देखो, kg मीटर स्क्वायर सेकंड रेस टू -2 टेम्परेचर रेस टू -1 मोल रेस टू -1, सेम है क्या? यहाँ पे भी जूल पर मोल केल्विन, एंड पिछले वाली केस में भी जूल पर मोल केल्विन आ रहा था, मींस आर के यूनिट्स भी सेम, ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एंड आर के डायमेंशंस भी ऐसे ही आएंगे। कितने देखो, m1 l2 t -2 k -1 मोल रेस टू -1, क्या ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जितते हैं? ये अरे सेम ही फॉर्मूला आ रहा ना, सेम ही डायमेंशंस दिख रहे, तो आपने एक नोट लिख लेना, वेरी गुड, दुबिया का भी सही है वो फॉर्मूला, r=pv/nRT, वो r वापस नहीं आएगा ना, वो जो प्रारब्ध का फॉर्मूला है r=pv=nRT, नहीं,
पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, वो आर इक्वल्स टू पीवी बाय सिर्फ आर एनटी आएगा, आर नहीं आएगा, पीवी बाय एनटी चाहिए था यहाँ पे, वो थोड़ा सा ये यहाँ पे जो है यहाँ पे पीवी बाय एनटी चाहिए था, ठीक है। ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो आर इक्वल्स टू एनटी डिवाइड बाय, मैंने जल्दी में वो आर ही लिख लिया था, वो आपने करेक्शन करना। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि आर के एंड सी के डायमेंशन सेम है? तो आपने लिख लेना कि यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हैव सेम डायमेंशंस एंड सेम यूनिट्स एंड सेम डायमेंशंस है, चलेगा फिर आपको आएगा इतना। ठीक है, तो अपनी अब सिक्वेंशियली कितनी क्वांटिटीज हो गई बताओ वाला। थर्टी तक हो गई होगी शायद, हाँ सही है, 30 हो गई। और थर्मल इलेक्ट्रिकल के एड्रेस निकालते हैं एंड फिर इसके एप्लीकेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बाकी क्वांटिटीज फिर नेक्स्ट जैसे ही जैसे यूनिट्स आते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। आर की वैल्यू पूछी है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू 8.31 लिख लो आप, ये जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, और एक मैंने दिया था इसके बाद बोल्ट्जमान कांस्टेंट, किसी ने निकाले क्या बोल्ट्जमान कांस्टेंट के डायमेंशन यूनिट्स कैसे निकालना, हिंट दो जरा। हाँ श्रेयस, रुबिया, पीवी बाय एनटी। अच्छा कैलोरी पर केल्विन, एनर्जी पर डिग्री, हाँ सही है, नाहिद का सही है। देखो ध्यान दो, नेक्स्ट 8 हो गई क्वांटिटी, ये नहीं सॉरी 5th थी, ये 6th, ये पीवी का भी याद रखना अच्छे से। हाँ पीवी का क्या रहता, वर्क और इक्वल्स टू एनर्जी, एनर्जी के जितना रहता, ये भी लिख लिया होगा बच्चों ने, स्क्रीनशॉट निकाल लो जिन्होंने नहीं लिखे थे, पीवी का भी लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल के रखना ये, वैसे तो पीडीएफ आती है आपको, पीडीएफ से भी लिख सकते हो, एक बार पीडीएफ को भी चेक करा करो कि आपने सच में सही से पूरे नोट्स लिखे हैं या नहीं। चलो आगे बढ़ते, पीवी इक्वल्स टू के टी, ये एक फॉर्मूला रहता, यहाँ पे जो के रहता इट इज बोल्ट्समन कांस्टेंट, ये जो के है ये क्या है, बोल्ट्समन कांस्टेंट, पीवी इक्वल्स टू के टी, जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी रहता ना, तो वैसे ही बोल्ट्समन कांस्टेंट पीवी इक्वल्स टू के टी याद रखेंगे क्या फिर, और बोल्ट्समन कांस्टेंट इक्वल्स टू पी वी अपॉन टी, और पी वी इज नथिंग बट वर्क और एनर्जी, तो हम एनर्जी अपॉन टेम्परेचर के जितने इसके यूनिट्स एंड डाइमेंशंस रहते हैं ऐसे लिख सकते हैं, याद रखेंगे क्या सभी? देखो अरे बहुत इजी है, देखो मैं
एक के ऊपर से दूसरा, दूसरे के ऊपर से तीसरा, ऐसे रिलेटेड आपको समझा रहा हूं। ठीक है, आ जाएगा आपको ये। तो एनर्जी अपॉन टेम्परेचर और हीट अपॉन टेम्परेचर निकाल के देखते, यूनिट क्या होगा देखो जरा। यूनिट बहुत ही सिंपल, जूल पर केल्विन, सिंपल है, जूल पर केल्विन। और क्या लिख सकते हैं हम इसे, एम वन, सॉरी, और डायमेंशंस देखो, यूनिट हो गया डायमेंशन, डायमेंशंस एनर्जी अपॉन टेम्परेचर है। तो एनर्जी के लिए एम वन एल टू टी माइनस टू, याद हो गए होंगे मुझे लगता बच्चों के, एम वन एल टू टी माइनस टू अपॉन टेम्परेचर है तो केल्विन। तो एम वन एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, ये आता है। आ जाएगा फिर आपको राहिला का सही है, एम वन एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। याद रहेगा फिर ये। और किसी ने तो भी बीच में क्वेश्चन पूछा था कि सर लेटेंट हीट का बताओ, चलो जरा लेटेंट हीट का चेक करते। एम आई ऑडिबल, क्या सुनाई दे रहा है सबको? ऐकू येत आहे का तुम्हाला? बाकी बच्चे पॉज दिख रहे मुझे सारे, लेट मी चेक। फ्रंट कैमरा बंद कर दिए लगता बच्चों ने। हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? टाइप करके भेजो कोई एक, अथर्व। हेलो, ओके, आवाज आ रही है, शायद कुछ ये स्क्रीन पॉज हो गई थी इस वजह से। ओके, ठीक है, हाँ चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो हमें चेक करना है, नेक्स्ट क्वांटिटी इट इज लैटेंट हीट। छह हो गई ना सातवीं क्वांटिटी, लैटेंट हीट। ये सारी हीट की क्वांटिटी है, एल से बताई जाती लैटेंट हीट। समझो मैंने आपको 10 ग्राम आइस दिए, आइस बताऊंगा ना बर्फ, अगर इसको आपको वाटर में कन्वर्ट करना है तो हीट देनी पड़ेगी। जितनी हीट देनी पड़ेगी उसे कहते लैटेंट हीट।
ठीक है, याद रहेगा आपको. मींस एनर्जी और हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फेज और स्टेट ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट. कि जो अगर समझो सॉलिड स्टेट में है तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, जो हीट लगेगी वो रहेगी स्पेसिफिक अपनी लेटेंट हीट. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज दी फेज और स्टेट, जिसे कहते हैं अपन स्टेट्स ऑफ मैटर, तीन रहते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, इज कॉल्ड लैटेंट हीट. एक रहती मेल्टिंग के लिए लैटेंट हीट फॉर मेल्टिंग, एंड एक रहती लैटेंट हीट फॉर वेपराइजेशन, क्योंकि हम सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हीट करके, वहां पे एक लैटेंट हीट रहेगी. एंड दूसरी रहेगी कि अगर आपका पहले ही लिक्विड स्टेट में है मैटर, उसे हमें कन्वर्ट करना है गैसेस स्टेट में, तो जो हीट लगेगी वो. ठीक है, एंड इसे लिखेंगे कैसे, लैटेंट हीट एल सॉरी हीट रिक्वायर्ड, हीट इक्वल्स टू रहता मास इनटू लैटेंट हीट. तो लैटेंट हीट के लिए फॉर्मूला क्या था, क्यू बाय एम, और मैं लिख सकता हूं एनर्जी अपॉन मास. लैटेंट हीट के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, एनर्जी अपॉन मास. एनर्जी के लिए यूनिट समझाओ जरा, यूनिट क्या थे, जूल पर केजी, ये रहता जूल पर केजी, एनर्जी अपॉन मास. वेरी गुड, सही बताए बच्चों ने. एंड इसके डाइमेंशंस क्या होंगे, देखो डाइमेंशंस एनर्जी के m1 l2 t माइनस टू अपॉन के जी मीन्स मास के, m mm कैंसल, m0 l2 t माइनस टू, ये है डायमेंशन. ठीक है, आ जाएंगे फिर आपको इतने, तो आपको आपके बायो पे आ चुके हैं वो यहां करें. मैं कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के यूनिट डायमेंशंस निकालने को कहता हूँ, वो आप निकाल के देखिए जरा. कुछ वर्क देता हूँ, सॉल्व कर देखना आप अगर. एक चार्ज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, हाँ कल अपन इलेक्ट्रिकल चार्ज के बाद पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो निकाल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी रहता, हम कल चेक करेंगे और भी देखेंगे. आज मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स की क्वांटिटी निकाल के बता दी. ठीक है, ठीक है, फिर पढ़ोगे इतना तो इतना स्टडी करो अच्छे से.